भाई ये कपड़े धोने की दुकान अपन ने ढूंढ ली है यार, और यहाँ पे कुछ मसला ऐसा है कि अब मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं यहाँ पे, और इन्होंने जो मुझे बताया है ये मशीन जो घूम रही है ये लेगी 5 रिंगेट और ये वाली लेगी 8 रिंगेट, क्योंकि इसको वेट का हिसाब है ना, और ये वाली जो है बड़े वाली 16 kg वाली ये लेगी 14 रिंगेट पर वॉश के, तो अपने को इतने ज़्यादा देने नहीं है। और ये है इसके ड्रायर, तो इसमें अभी 5 मिनट पड़े हैं पहले वाली में, तो इसी में धो लेंगे और धो के बताता हूँ भाई कैसा एक्सपीरियंस है। वरना कोई भी ट्रिप हो यार, सबसे बड़ी मुसीबत होती है ये गंदे कपड़े हमेशा, जिन्हें ये नहीं समझ आता है कि धोना कैसे है। आपने धोए सर? नहीं सर। कैसे ऐसे पैक कर दिए सारे? क्या करें सर, हैं पैक तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं छोड़ने थोड़ी हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइज एब्सोल्युटली फाइन। और यार आज हम कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि कपड़े हो चुके हैं सारे ऑलमोस्ट गंदे, एक एक ही ड्रेस आई थिंक रखी है, और इसे अब सबसे पहले तो वॉश करवाना है। या तो इसे हम खुद जाएंगे, सेल्फ लॉन्ड्रीज रहती हैं वहाँ जाके खुद वॉश कर लेंगे, या फिर होटल में तो हमारे कोई इंतज़ाम है नहीं। वैसे तो अच्छा रूम था, अच्छा होटल था, बट कपड़े धोने का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर जाके हमें कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। तो आज आपको दिखाते हैं कि कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ट्रिप पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कपड़े, और वो हमारे, क्योंकि अगर हम आ रहे हैं बजट ट्रैवलिंग के लिए तो हम कोई मोटे लगेज तो लेके आते नहीं है, क्योंकि हमें एयर टिकट भी सस्ती चाहिए होती है। अगर एयर टिकट महंगी हो भी तो इतने भारी भारी लगेज उठा के कौन भागेगा यार, वैसी सस्ती जगह ढूंढते रहने के लिए। तो आज ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कपड़े कैसे वॉश करेंगे, कितने में हो जाते हैं, कहीं किसी रूम पे जाके करेंगे किसी दोस्त के, या लॉन्ड्री मिल जाएगी क्या कर... तो यार फाइनली यार ये होटल तो हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमें जाना है कोई दूसरी जगह, एक लोकल एक्सपीरियंस करते हैं और यहाँ की लोकल वाइब्स को एंजॉय करेंगे कि एक्चुअल में मलेशिया या मलेशियन लोग या जो फॉरनर्स यहाँ आ रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं। क्योंकि देखो ये है बड़े शहर, वो बड़े शहर का रहना है, बड़ा शहर ही है कुआलालंपुर, और यहाँ पर सब कुछ अप टू डेट है, और हालात कुछ ऐसे हैं, बैग्स ने पता नहीं तो हैवी हो गए, पता नहीं क्या मामला है यार, और पता नहीं मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, बड़ा हैवी लग रहा है। तो होटल बहुत बढ़िया था यार, टी होटल है ये, जलन तार करके जगह है, यहाँ पे हमें ये होटल मिल गया था, बहुत अच्छी डील मिल गई थी, 70 रिंगेट्स पर डे, तो 70 रिंगेट बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने और जगह पता किया था यहाँ पे, वहीं पर भी हमें 100 से कम नहीं मिल रहा था। और ये गो केएल बसें आपका सारा दिन मनोरंजन करने के लिए तैयार रहती हैं, बस इंतज़ार करती हैं आपका कि कब आप आएँ और ये आपको लेके निकल जाएँ। तो इनकी सबसे बड़ी मुसीबत है यार, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए ये 8 किलोमीटर से घुमा के लाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर पैटर्न फॉलो करती है। कल हमने ट्विन टावर जाना था शाम को जब, तो अगर हम पैदल चल के जाते तो हमें वो दिखा रहा था 800 मीटर, बट हमने सोचा क्यों ना यार इसके मज़े ले लें, और मज़े लेने के चक्कर में भाई साहब रगड़े गए, बहुत दूर से घुमा के ले गई 8-9 किलोमीटर। और इसीलिए आज हमने जब जाना था, हम जा रहे हैं बेसिकली शाहआलम, यहाँ पे नियर बाई स्टेट है, एक्चुअली मलेशिया में छोटी छोटी स्टेट्स हैं यहाँ, तो उसके लिए हमने बुक करी है ये ग्रैब। तो यार तो सबसे बड़ा मसला है बैग्स का, और यहाँ पे ना रोड चलती है एक्चुअली दोनों तरफ से, ऐसे इस साइड से भी ट्रैफिक आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, और वो खड़ा है वहाँ पे हमारा कैब वाला, तो हमें पता ही नहीं लगा कि ये बंदा हमारी यहाँ वेट कर रहा है, मैं इसे इधर उधर देख रहा हूँ। अच्छा इसने सेल्फी मंगा ली थी एक्चुअली, यहाँ पे सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ, अभी एक बार बैठ जाएँ देन अभी इतना बड़ा मेन सा सिस्टम यहाँ पे क्या है कि जब आप कैब बुक कर रहे हैं तो अपने को एक तो यहाँ पे सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी इनकी वेबसाइट का, वेबसाइट क्या है इनका जो ऐप है, जैसे ही आप बुक करेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा कि यार सेल्फी दो पहले तो अपनी, क्योंकि ये अब पहचान नहीं पाते हैं बंदे को, ज़्यादातर यहाँ पे फॉरनर्स आ रहे हैं, लोकल बंदे के लिए भी सेम ही कंडीशन है वैसे तो, बट आई थिंक यू ओपन द विंडो, थैंक यू भाई ने यार विंडो ही ओपन कर दी थी, मैं कहूँ गर्म हुआ क्यों, और ये हमने सोचा शायद कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ओपन कर दिया। तो यार और यहाँ पे हर कैब में आपको ये मिल जाएगा, जैसे ही आप एंटर करेंगे, वैसे अभी इन्होंने करवाया नहीं बट उससे पहले एक हमारे पास टेक्स्ट आ गया था, नोटिफिकेशन आ गई थी कि यार आपको पहले से ही मास्क वेयर करना है,
और ये मैसेज अतरा ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए जो ये अंदर आते ही चेक इन करेंगे। और भाई साहब गलती से हम आ गए टोल पे। वैसे तो मेरे को लग रहा है इसके एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, बट एक इसमें बढ़िया चीज़ मेरे को क्या लगती है ना हमेशा, कि यहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ स्मार्ट टैग चले हैं ना, अभी यहाँ पर भी है, बट ये भाई के पास एक और टच एंड गो सिस्टम है, फास्टैग ही है, बट वो टच एंड गो रहता है। वैसे दिखा के दूर से वो कैच कर लेता है सेंसर, अगर नहीं करता समटाइम तो उसे टच करना पड़ता। अब पास में ले जाके करते हैं, उसके बावजूद भी भाई साहब हमारे यहाँ पे अगर आप देखो तो टोल पे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, और फिर किसी का टैग नहीं चलता, कभी उसका सेंसर नहीं चलता टैग वाले का, और कई बंदे बीच में कार्ड चलाते हैं सरकारी नौकरियों के, कई तरह के कि मैं ये हूँ मैं वो, उनके चक्कर में अगले रुके रहते हैं। यार इनसे भी कुछ सीख लेना चाहिए, और तो कुछ हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, इन देशों से ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि सिस्टम ऐसे होने चाहिए और टोल टैक्स सबके लिए इक्वल होना चाहिए, किसी को छूट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एम्बुलेंस को छोड़ के या आर्मी पर्सन, ठीक है, वो दो चीज़ों को होनी चाहिए, अदरवाइज। लग रहा है बच्चों की छुट्टी हो गई है, और यहाँ भी खैर ये वाला पैटर्न तो ऐसा ही है जैसे अपने इंडिया में पेरेंट्स गाड़ी लगा लेते हैं सड़क के पास और बच्चों को पिक करते हैं, पर वैसा नहीं है कि रोड ही जाम कर देंगे, तो ये चीज़ भी बहुत बढ़िया लगी है। 77 इंक्लूडिंग टोल, टिकट बस बड़ा महंगा लगा यार मेरे को, वैसे टोल एक्स्ट्रा पड़ गया वरना अपने को। चलो कोई बात नहीं, पहुंच तो गए ना टाइम से। यार धूप बड़ी हो रही थी, मैंने कहा कपड़े तो बाद में धोएंगे, पहले कुछ ठंडा पी लेते हैं। और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स का ऐसा हिसाब होता है, और यहाँ पे ना एक बड़ी मस्त चीज़ है, मतलब जैसे अपने को होटल्स में बुफे मिलते हैं ना, ऐसे यहाँ पे हमें ये बुफे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जो खाना है प्लेट उठाओ और इन्हें बता दो, ये डाल देंगे। और यहाँ पे हिसाब ऐसे नहीं है कि जी 130 रुपये की प्लेट है, 150 की प्लेट है, नहीं, यहाँ पे सिमिलर तो है वैसा, बट एक्चुअल वैसा नहीं है। और अभी हमने ऑर्डर करी है मिलो आइस मिलो, तो अभी आपको दिखाता हूँ कैसी होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। अपने यहाँ जैसे कॉफ़ी मिलती है ना, कोल्ड कॉफ़ी, तो यार ये है अपनी फेवरेट आइस मिलो, मतलब बेसिकली कोल्ड कॉफ़ी से ही कुछ सिमिलर रहती है ये, बट इसमें ऐसे करके ना ये आइस डाल के दे देते हैं। और भाई साहब आप टेस्ट करोगे ना, इतनी ज़बरदस्त है, 2 रिंगेट की मिलती है, पर पूरा पैसा वसूल हो जाता है। तो अभी तो यार इसे पी लेते हैं अपा, और उसके बाद निकलते हैं फिर कपड़े धोने हैं भाई, बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि उसके बिना बात बनेगी नहीं। और बाकी खाना वाना ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है यार, 2 रिंगेट की चपाती मिल जाती है, और बाकी खाने के हिसाब से आपका वो, तो देखो खाने को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ना मुझे सच बताऊँ खाने की वीडियो बनानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, कि खाना बनाते हुए आपको खाते हुए दिखाया जाए और खाना दिखाया जाए, यार देखो हर एक आदमी की अपनी चॉइस रहती है। और कुछ लोग वेजिटेरियंस देखते हैं तो कुछ नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन का तो कोई मसला नहीं है, पर जो लोग वेजिटेरियन रहते हैं ना, अब वो लोग देखना शायद पसंद ना करें, तो इसलिए मैं फूड की वीडियोस अवॉइड करता हूँ थोड़ी। बड़ी ज़बरदस्त है भाई, एक अपा ने लपेट दिया धर्मेंद्र भाई से, एक भी नहीं ख़त्म हुआ, और अपा ने मंगा लिया दूसरा, और दूसरा भी लपेट लेंगे, बड़ी ज़बरदस्त है। ले लो तुम भी, अरे आइस मिलो, ये आइस मिलो, इससे मिलो फिर नहीं मिलेगी ये, मंगवाओ एक और, अरे करो चेक, कुछ और चेक कर लो, अरे भेड़ बकरी मुर्गा सब है, जूस है नहीं, घी घू रखा है, कुछ और चेक कर लो, कमजोरी ना आ गई हो आपके साथ रहकर, कमजोरी महसूस हो ही नहीं सकती है, कुछ और चेक कर लो है, अंकल को बुलाओ, अंकल से बात करके चेक कर लो, ये अंकल को हिंदी उंदी आती है कि आती है, अंकल लग बड़ा खतरनाक रहा है ना, अच्छी है ना,
₹2 में क्या चाहिए भाई साहब, आप कोल्ड कॉफी अपने इंडिया में ले लो, 150 रुपये की मिलती है तकरीबन, है ना, पर खतरनाक आइटम है। ₹2 का मतलब 38 रुपये बनते हैं। अब 38 रुपये में इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है, और बताओ आपको क्या जान चाहिए, तो इसलिए राइस मिलो, चीज़ भी बढ़िया ज़बरदस्त। बस एक ही चीज़ का दुख है, गर्मी बहुत है, गर्मी ने बड़ा कम कर दिया, इंडिया से कम है। हाँ इंडिया से कम है, ये बात कर सकते हैं। अपने वहाँ तो भाई साहब टेम्परेचर सिस्टम 40-45 है, और यहाँ मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊँ तो काम गया, ऐप भी नहीं दिखता है भैया। और भाई साहब ये देख लो, ये अपने पास 33 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम पर। हम हैं शाह आलम कुआलालंपुर से। पहली बात तो बहुत सस्ता है, अब हम आगे की वीडियोस में भी यहाँ कंटिन्यू करेंगे, अगर कुछ बढ़िया लगा तो, नहीं लगेगा तो वापस तो जाएंगे जाएंगे और वहीं पे नज़ारे लेंगे। भाई ये कपड़े धोने की दुकान पर है ढूंढ लिए यार, और यहाँ पे कुछ मसला ऐसा है कि अब मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं यहाँ पे, और इन्होंने जो मुझे बताया है ये मशीन जो घूम रही है ये लेगी 5 रिंगेट और ये वाली लेगी 8 रिंगेट, क्योंकि इसको वेट का हिसाब है ना, और ये वाली जो है बड़े वाली 16 kg वाली ये लेगी 14 रिंगेट पर वॉश पे, तो अपने को इतने ज़्यादा देने नहीं है। और ये है इसके ड्रायर, तो इसमें अभी 5 मिनट पड़े हैं पहले वाली में, तो इसी में धो लेंगे और धो के बताता हूँ भाई कैसा एक्सपीरियंस है, वरना ओके नहीं यार ये तो अपने को खुद ही डालने पड़ेंगे। थोड़े से कपड़े हैं ओके लुक इट ओके आप खुद करेंगी आंटी जी, वाओ ओके ओके नॉर्मल हाँ ओके। हेलो जी, एक और पंगा है, पेमेंट पहले यहाँ से चेंज करानी पड़ेगी अपने को। आई थिंक आई हैव 5 रिंगेट दिस वन वॉशर एंड यू वांट ड्रायर ओके एंड ड्रायर आल्सो ड्रायर 6 रिंगेट और 11 ना ओके ओके 11। हाँ लो जी, आंटी को हमने दे दिए हैं 11 रिंगेट, उन्होंने 5 रिंगेट वॉशिंग के बताए हैं, 6 रिंगेट बताए हैं ड्रायर के, और वे कॉइन चक दिए क्योंकि ये टोकन अपने को लेने पड़ेंगे इससे, और ये डालने पड़ेंगे और ये डालें, ये 6 रिंगेट मेरे को, 6 टोकन मेरे ख्याल से मेरे को दे देगी। हाँ ओके ओके, सो हाउ मच टाइम इट विल टेक, वन आवर ओके थैंक यू। तो यार ये टोटल लेंगे 1 घंटा, आधा घंटा ड्रायर लेगा, आधा घंटा वॉशर लेगा, सिर्फ 1 मिनट रह गया अपने कपड़ों को, और 1 मिनट बाद हमारे चमचमाते कपड़े हमारे हाथ में आएंगे। बाहर इतनी ह्यूमिडिटी है यार, 5 घंटे के लिए चला गया और बड़ी बुरी हालत हो रही है। दिस इज़ द रेलवे स्टेशन, और आज फिर दोबारा कपड़े धुल गए भाई अपने, अब चलते हैं ऊपर स्टेशन से वापस ही, क्योंकि यार ये काम अब काफ़ी लोग बोलेंगे ना कि ये काम तो केएल में भी हो जाता है, इसके लिए स्पेशल शालम आने की ज़रूरत थी। एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स रहते हैं यार, उनसे मिल लिया हूँ, और कुछ लोकल फ्रेंड है मेरे मलेशियन, उनसे भी मिलना था, तो मैंने कहा चलो शालम ही चलते हैं यार, और अपने कपड़े भी धुल जाएंगे, ट्रिप का ट्रिप हो जाएगा। वी आर गोइंग टू केएल सेंट्रल, so is it working? No? For which one? KTM only. Okay. This one is? Okay, okay. Done. So we need the tokens. From there. Okay, KTM. KL Central
ओके क्लाइंट पे, थैंक यू। भाई साहब ये कार्ड जिसका हमें खुशी थी बकवास निकला, ये सिर्फ चलेगा LRT में। लो जी पकड़ो इसको, लाश को पकड़ लो इसकी। नंबर 5 को हमने दबाना है। ओ पुत्री क्या चल गया, नंबर 5 ये है नंबर 5 यार, और हमने जाना है KL सेंट्रल। तो अभी हमें 2 टिकट चाहिए। ओए 7 रिंगेट 60 सेंट। सर मेरे पर्स में से पैसा निकाल लो। सर एक टिकट कितने की पड़ रही है यहाँ की? ये जी हमें मिले हैं 2 रिंगिट 40 सेंट्स, वापस 7 रिंगिट 60 सेंट्स की है। और अब आएंगे सिक्के हमारे छनछनाते हुए। उई भाई साहब नोट, ये है ईमानदार सरकार। हमारे वाले कंडक्टरों को नोट दे दो तो मुड़के वो हमसे ही कर देते हैं, खुले ना आए के। और खुले ना हो तो आजकल कंडक्टरों ने भी चॉकलेटें रखी हैं, कोलगेट ही चिपका देते हैं इसको। सर या तो जेब में डाल लो, नहीं तो इसे ना रख लो, आखिरी निशानी याद आएगी है। अभी हमने जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये, ओ सॉरी दिस इज द प्लेटफॉर्म नंबर 1। और वो महाशय खड़े हैं भाई साहब तोतिया जैकेट पा के, उसने हमें बता दिया भाई मास्क पहन लो नहीं तो खाल उतार दी जाएगी और झाड़ दी जाएगी। दिस वन गो, पहुँच गए भैया, ट्रेन आ गई आ गई आ गई आ गई। वो लेडीज है ये, तो यार किसी दिन इसी चक्कर में रगड़े जाएंगे हम तो, लेडीज डब्बे की नहीं समझ आती हमें तो। हाँ यहाँ ठीक है भाई साहब, अब वापसी KL सेंट्रल को एग्जिट कर, पहले एग्जिट कर लेते हैं ना, एग्जिट भी करना पड़ेगा। अरे एग्जिट करना पड़ेगा बिल्कुल, जाना नहीं देंगे यहाँ। ये आपका पैर पकड़ लेंगे भाई साहब, आपके कहेंगे भाई कहाँ चले हो, बंद कर रखा है। ए लो लगा मेरे को, चलो आ जाओ, एक छोटा सा काम करना आपका ने पहले, वो इधर नहीं करना, वो काम उधर होएगा अपना। पानी पी पी के बार बार जाना है बाथरूम, किडनी को बचाना है। पर कई बार ऐसी जगह आ जाता है भाई साहब, होती नहीं है जगह, और सब इंडिया की बड़ी याद आती है कि भाई काश हम अपने देश में होते। पर ठीक है ये भी यार आते अच्छी नहीं है ये, पर टॉयलेट होने भी तो चाहिए ना भाई, होते ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे इस चीज़ का बड़ा सुख है कि मॉल में, या मॉल काफ़ी हैं, शॉप्स हैं, तो जा सकते हैं इजीली। कमाल है यार, तो यार अब फ्री हो गए हैं, बड़ी ज़ोर से थी और यार बड़ी ज़ोर से आ रही थी। तो यार इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अब आगे तो जाना है खाना खाने, और अब खाने में कैमरा घुसा के या धर्मेंद्र के मुँह में कैमरा घुसा के तो दिखाने से रहे क्यों भाई, सही है ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो वट एवर रीज़न, सो हिट द लाइक बटन, एंड अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि